आपको मालूम है कि चुनाव का समय है, लंबी लंबी बातें नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पंजाब के लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आपके सामने है उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। आपके सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता दोनों एक विषाद में खेलने वाले नेता हैं, एक जैसे हैं दोनों। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल को देखिए, दोनों की शुरुआत कहां हुई? दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई। एक ने कहा कि 15 लाख रुपए आपको दिलवाएंगे, दूसरे कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए। जहां काम किया है एक ने गुजरात मॉडल बोला, दूसरे दिल्ली मॉडल बोल रहे हैं। गुजरात मॉडल का आपने देखा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी को रोजगार नहीं मिले, किसी के बिजनेस ठीक नहीं हुए, किसी को मदद नहीं मिली। उसी तरह से दिल्ली मॉडल में ना एक नया अस्पताल बना है, ना एक नई संस्था बनी है शिक्षा के लिए, ना रोजगार बने हैं। इन चीजों को समझ लीजिए, इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनाम की पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। इनको समझाइए कि असली सरदार कौन है, असली सरदार कौन है। इनको समझाइए कि इस साफे में कितनी हिम्मत है, कितनी मेहनत है। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। कोई नई राजनीति आपको, कोई नई राजनीति आपको आम आदमी पार्टी नहीं देगी। मैं दिल्ली की वासी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, कोई नई राजनीति नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे। नई राजनीति ये खड़ी है, ये खड़ी है नई राजनीति, जिन्होंने 111 दिन में इतने निर्णय लिए, हिम्मत वाले निर्णय लिए। किसके लिए? पंजाब की जनता के लिए, पंजाबियों के लिए। ये जो बाहर से आते हैं, बाहर से जो आते हैं आपके पंजाब में, और आपको पंजाबियों की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियों क्या है। हेलो हेलो भाई, नु कहो भाई, ये मेरा ससुराल है। ओके ओके, खड़ा होड़ भाई नु कहवे भाई नु बहुत अच्छे होके खड़ा हो। ओ भाई, पंजाबियां दे लोग है कृपा गांधी साडी पंजाब होड़ है, पंजाबियां दे बहु है भाई नु। ए तले तगड़े लोग है, एक पासे हो जाओ पंजाबियो। हेलो, ए जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आ गए ते राज कर दे। Oh,
शुरू होगी और यहाँ से शुरू होगी। नरेंद्र सिंह ढिल्लों जी को भारी बहुमत से जिताओ, इनको आगे बढ़ाओ ताकि यहाँ रोपड़ में सबसे तेजी से विकास हो, सबसे तेजी से रोजगार बने।